हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाल्मीकि। सबके इस नए वीडियो हमारे चैनल बेसिक नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से क्राफ्टलाइन रूम कार्ड का यूज कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मेरे पास है एक क्राफ्टलाइन रूम कार्ड, जिसको आप ब्लू रूम कार्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल कस्टम रूम कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है कस्टम रूम कार्ड से कई गुना अच्छा फीचर्स दिया गया है, जो कि आपको यूज करना चाहिए। अगर आप उस फीचर्स का यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आपको गेम प्ले करते समय बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप क्राफ्टलाइन रूम कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्या अलग फीचर्स दिया गया है और उस अलग फीचर को किस प्रकार से आप जो है यूज कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे ज्यादा चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले इसी तरह के गेमिंग इवेंट एंड अपडेट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्राफ्ट लैंड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जस्ट आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको क्रिएट कप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पर आप जिस प्रकार से नॉर्मल कस्टम को बनाते हैं उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक अलग देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट मैप। तो फिर इसमें जो है आप अपने खुद के मर्जी से जो है मैप को बनाकर उसी मैप में अपने दोस्त के साथ वर्सेस कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट मैप पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अब जो भी डिजाइन बनाए हैं वो डिजाइन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से आपको अपना मैप बनाना है इस पर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बना दिया है डिटेल्स के साथ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या क्या अलग फीचर्स मिलते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं नॉर्मल कस्टम की तरह जो है एक पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस गेम में आपको केवल एक ही मोड मिलता है, क्लास स्क्वाड, यहाँ पर लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन गेम का, सिंपल सा आपको इस पर आ जाना है। आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर उसी प्रकार से नॉर्मल कस्टम की तरह जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक एडवांस सेटिंग, यही सेटिंग है जो आपको कस्टम रूम कार्ड में नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है उसके लिए रेड कस्टम रूम कार्ड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है आपको ये क्राफ्टलाइन रूम कार्ड में जो इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है। जस्ट आप ऑन कीजिएगा, आपके सामने जो है सभी सेटिंग्स जो है एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो स्टोर, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी, सिंपल सा यहाँ पर आपको स्टोर में आना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जितने भी गन्स देखने को मिल रहे हैं गन्स यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि G80 गन है, इसका जो है प्राइस नॉर्मल प्राइस है 500 रुपये। तो फ्रेंड्स इसको आपको जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 300। मैं आपको गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है ये गन का रेट जो है घटा है या नहीं। उसी प्रकार से डिजिट ईगल का मैं रख लेता हूँ 500, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है सबसे पहले तो आप जितने प्राइस रखना चाहते हैं जिस भी गन का यहाँ पर आप इजिली रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना एक गन सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं शॉर्ट गन में चेंजिंग करना चाहता हूँ, शॉर्ट गन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद M887 का मैं प्राइस रख लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मात्र यहाँ पर 700 रुपये रख लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर M10 का मैं प्राइस रख लेता हूँ 550 रख लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वेस्ट का कितना प्राइस रखना चाहते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको राउंड में देखने को मिल जाएगा इसमें 15 राउंड, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है ये 15 राउंड जो है काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। यहाँ पर मैंने कल 15 राउंड लगाकर जो है गेम प्ले किया था, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर केवल 10 ही राउंड में जो है गेम फिनिश हो गया था, इसलिए आपको जो है सिंपल सा आपको 13 राउंड ही रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप आइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये राउंड जो है ब्लॉक हो चुका है, यानी आपको यहाँ पर 13 राउंड से देखने को मिलेगा। तो फिर उसमें भी आपको 13 राउंड से ही रखना है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी आप राउंड सेलेक्ट किए हैं उतना आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको राउंड के हिसाब से जो है कॉइन्स रखा गया है कि आपको फर्स्ट राउंड में जो है कितना कॉइन्स मिलेगा। सिंपल से यहाँ पर मैं बढ़ाकर रख देता हूँ इसको, फर्स्ट राउंड में 1000 कॉइन्स हमें मिले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड राउंड में
मैं रख देता हूँ 2100। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसी प्रकार से राउंड के हिसाब से जो है आपको मिलने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन और विनिंग राउंड, अगर आप जीत जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है कितना कॉइन्स अधिक मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1000 रख देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किल, पर किल पर आपको कितना पॉइंट्स अधिक मिलेगा यानी कॉइंस अधिक मिलेगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रख लेना है। यानी मैं एक किल करूँगा तो यहाँ पर मुझे 400 कॉइंस जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार से लूजिंग राउंड यानी जो हारे हैं उनके लिए आपको उनके लिए कितना पॉइंट मिलेगा जो डिफीट हुआ है टीम, तो यहाँ पर मैं सभी को बराबर रख लेता हूँ यानी 1000 रख लेता हूँ इसको भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पुल आउट करने पर कितना आपको पॉइंट मिलेगा उस प्रकार से यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एडवांस सेटिंग्स भी हो चुका है जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है रूम क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। अब मैं अपने दोस्तों को बुलाकर जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मैं स्टार्ट गेम को कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स ये हमारा जो है कस्टम स्टार्ट हो चुका है, कलाफ्रेल रूम कार्ड के कस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ जो भी हमने सेटिंग किया है क्या वो अप्लाई हुआ है या नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा G80 गन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा नॉर्मल जो है 500 कॉइन्स में मिलता है, अभी जो है यहाँ पर आपको 300 कॉइन्स में ही मिल जाएगा। उसी प्रकार से डिजर्ट ईगल जो है आपको 800 कॉइन्स में मिलता है और यहाँ पर आपको 500 कॉइन्स में देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को एक और गन देखने को मिल जाएगा M887, ये जो आपको मिलता है 1900 का, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 700 में ही देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से क्राफ्टेड रूम कार्ड का यूज कर सकते हैं और मैप बनाने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे माइनस पॉइंट बता देता हूँ एडवांस सेटिंग का जो कि आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैंने एक गेम खेला था जो कि 15 राउंड का लगाकर उसमें जो है टोटल 10 राउंड में ही हमारा गेम जो है फिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 13 राउंड का भी एक गेम लगाकर पहले खेल चुका है और फ्रेंड्स इसमें जो है टोटल 6 राउंड में ही हमारा गेम फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप एडवांस सेटिंग के साथ खेलते हैं तो फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जो कि मैंने इस क्राफ्टेड रूम कार्ड का माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों ही बता दिया है। जो भी आपको अच्छा लगे आप खेल सकते हैं, आप एडवांस सेटिंग के साथ भी खेल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद तो वीडियो का लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।